अक्सर हमसे कहा जाता है कि फिंगर पॉइंटिंग जेस्चर जो है उसे बिल्कुल भी अवॉइड करें, मगर क्या ये पूरी तरह से सच है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखोगे, आई हैव बीन यूजिंग फिंगर पॉइंटिंग जेस्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फिंगर पॉइंटिंग जेस्चर को अगर आप क्रिएटिवली यूज करोगे तो आप अपने ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हो, आपकी प्रेजेंटेशन को और एंगेजिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी 3 ऐसे टिप्स जहां पे आप अपने फिंगर पॉइंटिंग जेस्चर को बहुत क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। So here comes my secret to using finger pointing gesture more creatively. I'm going to talk about 3 C's. The first C stands for counting. अब काउंटिंग के बारे में बात करें तो जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन में न्यूमेरिकल लिस्टिंग के बारे में बात करते हो या न्यूमेरिकल पॉइंट्स के बारे में बात करते हो तब आप फिंगर पॉइंटिंग जेस्चर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट, वेल देयर आर 3 मेन रीजंस व्हाई आई फील दिस प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट रीजन इज दैट इट इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट। द सेकेंड रीजन इज इट इज अ रीजनेबल प्रोडक्ट। And the third reason and the most important reason is that it is highly customized. Now here comes my second secret, that is comparison. आप जब अपने प्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट कंपैरिजन के बारे में बात करते हो या किसी प्रकार का भी कंपैरिजन है तो आप फिंगर पॉइंटिंग जेस्चर को जरूर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट से दैट विच ऑफ दीज बेनिफिट्स इंटरेस्ट यू द मोस्ट, यूजर फ्रेंडली और हाईली कस्टमाइज्ड। या फिर इसे और इफेक्टिवली यूज कर सकते हो बाय सेइंग दैट विच ऑफ दीज बेनिफिट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, यूजर फ्रेंडली और हाईली कस्टमाइज्ड। एंड आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स आपको हाईली कस्टमाइज्ड पे मिलेगा। तो आप प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा क्रिएटिव भी बना सकते हो। यू कैन क्रिएट दोज रेस्पॉन्सेज दैट यू नीड इन योर प्रेजेंटेशन। हियर कम्स माय लास्ट सीक्रेट, दैट इज क्रिएटिंग अ विजुअल। आप फिंगर पॉइंटिंग जेस्चर को बहुत ही क्रिएटिवली यूज कर सकते हो स्टोरी टेलिंग में या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में, अपने प्रेजेंटेशन को और एंगेजिंग बना सकते हो। कैसे? लेट मी डेमोंस्ट्रेट। लेट्स से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कुछ इस तरह से, इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट ऑन योर करियर वर्सेस इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट ऑन योर करियर। दिस इज वन। नाउ लेट्स डेमोंस्ट्रेट ऑन द सेकेंड वन। Let's say if you are narrating a story by saying that I was walking through a narrow lane and I came across a huge elephant versus I was walking through a narrow lane and I came across a huge elephant, which one is more effective, the first one or the second one? Of course, you'll see the difference when you use the gestures. It becomes more engaging, it becomes more personalized, it creates a lot of interest also, and it is funny if you do not use any gestures in your presentation. So ye the hamare 3 secrets, counting, comparison and creating a visual to use finger pointing gestures more creatively. To agar aap apne presentation ko improve karna chahte hai to video series ko zarur follow kare aur hamare channel ko subscribe kare, and do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Instagram, Twitter and Facebook. And till then, stay blessed, stay empowered.